केंद्र सरकार ने दशकों बाद पूर्वोत्तर राज्यों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के दायरे को कम करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने दशकों बाद पूर्वोत्तर के असम, नागालैंड और मणिपुर राज्यों में आफ्सपा घटा दिया है। इनमें असम के 23 जिले ऐसे हैं जहां आफ्सपा हटा दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया। उन्होंने बताया कि इन तीनों राज्यों में आफ्सपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया है। ये फैसला 1 अप्रैल यानी कि शुक्रवार से लागू हो गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में आफ्सपा को हटाने की लंबे समय से मांग चल रही थी। नागालैंड में तो पिछले साल दिसंबर में आफ्सपा को हटाने की मांग तब तेज हो गई थी जब सेना की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नागालैंड में जबरदस्त हिंसा हुई जिसमें और 8 लोग मारे गए। केंद्र की सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आफ्सपा वाले इलाकों की समीक्षा की। सबसे पहले मई 2015 में त्रिपुरा से अशांत क्षेत्र खत्म कर दिए थे। इसके बाद मेघालय से भी मार्च 2018 में आफ्सपा को पूरी तरह हटा लिया गया था। आइए जानते हैं सेना को मिले आफ्सपा से जुड़े अधिकार में क्या है खास। सेना कहीं भी 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सकती है। सेना के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। साथ ही चेतावनी का उल्लंघन करने पर गोली मारने तक का अधिकार होता है। सेना किसी के भी घर में बिना वारंट तलाशी ले सकती है। सेना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें कि असम में 1990 से पूरे इलाके में आफ्सपा लागू किया गया था। नागालैंड में 1995 से पूरे इलाके में ये कानून लागू किया गया था। मणिपुर में राजधानी इम्फाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में 2004 में आफ्सपा लागू किया गया था। अब केंद्र के आफ्सपा के दायरे को कम करने के बाद वहां शांति कायम होने की उम्मीद है जिससे वहां के विकास में काफी मदद मिलेगी। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में दवाएं खत्म होने से डॉक्टरों ने मरीजों को ऑपरेशन रोक दिया है। पेट्रोल पंप पर तेल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। आलम यह है कि पेट्रोल से भी महंगा दूध बिक रहा है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है। यही नहीं, फ्यूल की कमी का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ रहा है। कई शहरों में 12 से 15 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। ऐसे हालात में भारत ने फौरी तौर पर श्रीलंका को $1 अरब की मदद दी है। श्रीलंका के साल के अंत तक दिवालिया होने की पूरी उम्मीद है। देश में महंगाई हर हद को पार कर चुकी है और जरूरी सामानों की किल्लत ने आम लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके चलते देश में भूखी जनता राष्ट्रपति से पूछ रही है कि आखिर देश कंगाल क्यों हो गया है, देश का खजाना खाली क्यों हो चुका है और चीन के कर्ज में झगड़ा ये देश अब एक एक निवाले के लिए तरस रहा है। वहां आलम ये है कि अपना आपा खो चुके हजारों लोग गुरुवार देर रात कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षा के घर के बाहर जा पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। विरोध को दबाने के लिए पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उन पर जमकर लाठियां भी बरसाई गई। इसमें कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। वही विरोध दबने के बजाय हिंसक हो गया। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बस और जीप में आग लगा दी। इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका पर कई देशों का कर्ज चढ़ा हुआ है। यहां जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर $2.36 अरब रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामान, दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो हालात बने उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में 1 किलो मिर्च की कीमत 710 रुपए हो गई है और 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपए जबकि 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है। वहीं लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी 150 रुपए में मिल रहा है। ऐसे हालातों में एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी के काम आ सकता है और भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया।
भारत ने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को खाद्य उत्पादों, दवाओं और अन्य जरूरी चीजों की खरीद के लिए $1 अरब का क्रेडिट देने का ऐलान किया। मार्च के महीने में दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वहीं जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी और दवाइयां भारत पहले से ही श्रीलंका को मुहैया करा रहा है। गौरतलब है कि भारत के दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका में सरकारें संकट में घिरी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता से बेदखली तय मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में राजपक्षा सरकार के खिलाफ भी माहौल ठीक नहीं है। ऐसे में ये समय भारत के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक आपके पड़ोसी सही नहीं रहेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। इसका उदाहरण हम 1971 की भारत पाक जंग में देख चुके हैं। पाकिस्तान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इमरान खान की कुर्सी जाना अब लगभग तय हो चुका है। इमरान खान लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान को करीब 3 साल 10 महीने हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किए बिना गद्दी से हटने को मजबूर है। दरअसल अचंभे की बात यह है कि अब तक पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया ही नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि अगर इमरान खान पीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब इस बात से पर्दा उठ चुका है। आपको बता दें कि इस रेस में बाजी मारी है शहबाज शरीफ ने। जी हाँ, इमरान खान के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे शहबाज शरीफ। तो कौन है शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। वे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष भी हैं। 2018 में नवाज शरीफ को पद से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष बनाया गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से लंदन में रह रहे हैं। शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं और वे काफी सफल नेता भी बताए जाते हैं। शहबाज शरीफ का जन्म 23 सितंबर 1951 को लाहौर में हुआ था। शहबाज शरीफ की राजनीति में एंट्री 80 के दशक में हुई। 1988 में उन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। उन्होंने पंजाब प्रांत लाहौर विधानसभा से चुनाव जीता, हालांकि 1990 में विधानसभा भंग हो गई। 1990 में उन्होंने फिर पंजाब प्रांत से चुनाव जीता। इसी साल उन्होंने नेशनल असेंबली का चुनाव भी जीत लिया। जीत के बाद उन्होंने नेशनल असेंबली को चुना। 1993 में नेशनल असेंबली भी भंग हो गई और उनकी सदस्यता चली गई। 1993 में उन्होंने फिर लाहौर विधानसभा और नेशनल असेंबली का चुनाव जीत लिया। इस बार उन्होंने नेशनल असेंबली की सीट छोड़ दी। 1957 में उन्होंने फिर से पंजाब प्रांत का चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने PMLN की टिकट पर चुनाव लड़ा। फरवरी 1997 में शहबाज शरीफ पहली बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1999 में पाकिस्तान में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। शहबाज शरीफ के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई। उन्हें और उनके परिवार को देश छोड़कर दुबई जाना पड़ गया। 2007 में शहबाज शरीफ और उनका परिवार फिर पाकिस्तान लौट आया। जून 2008 में शहबाज फिर से पाकिस्तान के मुख्यमंत्री बन गए। 2013 के चुनाव में शहबाज तीसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव में PMLN ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि इस चुनाव में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की जीत हुई। शहबाज शरीफ तब विपक्ष के नेता चुने गए। बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव दे चुका है और इस पर 3 अप्रैल को अब वोटिंग होनी है। सहयोगियों के साथ छोड़ने के बाद इमरान खान सरकार अल्पमत में आ चुकी है और अगर वोटिंग में इमरान खान की हार हुई तो उनका सत्ता से बेदखल होना तय है और शहबाज शरीफ का अगला प्रधानमंत्री होना भी तय हो चुका है।
डर अच्छा है क्योंकि डर के आगे जीत है। ये मुहावरा हर वो बच्चा दोहराता है जिसे परीक्षा में बैठना है। भले ही बच्चों ने एग्जाम से पहले कितनी ही तैयारियां क्यों ना की हों, भले ही उन्होंने कितने सारे एग्जाम्स दिए हों, लेकिन जो एग्जाम से पहले का स्ट्रेस होता है वो बच्चों की मानसिक स्थिति पर काफी प्रभाव डालता है। इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री स्वयं पिछले कई सालों से छात्रों से परीक्षा से पहले उनसे संवाद कर उनके वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं जो उन्हें एग्जाम से पहले कंफ्यूज और परेशान करते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों से बातचीत की। कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ। 2.5 घंटे तक चले कार्यक्रम में पीएम ने करीब 1000 छात्रों से सीधी बात की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम की शुरुआत में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कोरोना के बाद दोबारा शुरू हुए स्कूलों को एक बड़ी उपलब्धि बताया। पीएम मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचकर सबसे पहले देश भर के छात्रों द्वारा बनाई गई कई प्रदर्शनी परियोजनाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने बच्चों के ऑटोग्राफ भी लिए। पीएम ने करीब 1000 छात्रों से सीधी बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। इसमें कई तरह के सवाल शामिल रहे, जैसे एग्जाम के कारण तनाव को कैसे कम करें, मोटिवेशन के लिए क्या करें, माँ बाप को सपनों के बारे में कैसे समझाएं। छात्र छात्राओं के अभिभावक और टीचर्स भी कार्यक्रम में शामिल रहे। पीएम से एक सवाल पूछा गया, वो भी सोशल मीडिया की एडिक्शन के बारे में था। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो क्या आप सच में पढ़ाई करते हैं? दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन का नहीं है, मन समस्या है, ना कि माध्यम। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं, वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों को एग्जाम के दौरान तनाव को कैसे दूर रखें उस पर भी काफी अहम टिप्स दिए। उन्होंने कहा, मन में तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं उसको आप कतई छोटा मत मानिए।
आपको बता दें कि इस साल परीक्षा पर चर्चा का ये पांचवा संस्करण था। परीक्षा पर चर्चा पहली बार 16 फरवरी 2008 को आयोजित किया गया था। तब से लेकर अब तक उन बच्चों को इस कार्यक्रम का खास इंतजार रहता है जिनकी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र टेंशन फ्री होकर परीक्षा दें, वो किसी प्रकार का तनाव ना ले और आगे के लिए वो क्लियर रास्ता देख सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.